दोस्तों कौन है हमारे चलो भारत देश से लड़ी रहा था कि अब भाई नई लड़ाई चालू हो चुकी है। अब आप कहोगे कौन सी लड़ाई, यूट्यूब और टिकटॉक में बहुत ही बड़ी लड़ाई छूट चुकी है, दोनों एक दूसरे को कम्पीट करने के लगे हुए हैं। यूट्यूब और टिकटॉक नहीं, यूट्यूब और टिकटॉक की जो ऑडियंस है वो दोनों की जो ऑडियंस है वो एक दूसरे प्लेटफॉर्म में लड़ रही है, एक दूसरे पर गाली गलौज चल रही है और एक कॉन्ट्रोवर्सी फैल चुकी है। मुझे तो लगता है कि तीसरा अद्भुत जो होने वाला है वो हथियारों से नहीं होगा, वो भाई ऐसे ही कमेंट रेटिंग और रोस्टिंग से होने वाला है। तो भाई आज के टाइम में जो हम देख रहे हैं कि यूट्यूब और टिकटॉक एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, गालियां पक रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। यूट्यूब और वीडियो बन रहे हैं यूट्यूब पे कि टिकटॉक वाले ऐसे हैं, यूट्यूब वाले ऐसे, तो भाई बहुत ही बड़ी लड़ाई छूट चुकी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ कैसे है और ये शुरुआत कैसे हुई है, सब कुछ बताता हूँ। तो भाई 16 मई को जो अपने कैरी मिलाने भाई है उन्होंने एक वीडियो डाली थी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का एंड, उन्होंने इस वीडियो में टिकटॉकर्स की बहुत बड़ी बेइज्जती की थी और उन्हें गालियाँ दी थी जिसमें आमिर सिद्दीकी शामिल थे। भाई इसकी जो शुरुआत है यूट्यूब पर टिकटॉक की, और उनमें से उनकी जो शुरुआत है वो द एलविश यादव जो उनका चैनल है, एलविश यादव ने शुरू की थी अपने वीडियो को रोस्ट करके। भाई उन्होंने शुरू की थी और इसका एंड करने वाले थे कैरी मैट भाई, तो उन्होंने यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक द एंड वीडियो बनाया। तो इसके लिए वीडियो बनाने के बाद उनके जो चैनल की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो गई, उनके जो चैनल के सब्सक्राइबर थे 10.8 मिलियन के आसपास थे और आज उनके सब्सक्राइबर हैं 18.7 मिलियन। तो भाई बहुत ही बड़ी ग्रोथ आप इसमें देख सकते हो और उनके जो व्यूज़ थे वो भी बिलियंस में पहुँच चुके हैं। भाई उस वीडियो पे आज हाईएस्ट लाइक वीडियो बन चुकी है पूरे इंडिया की, जो लाइक हाईएस्ट लाइक वीडियो होती इंडिया की वो थी फिलहाल अक्षय कुमार का सॉन्ग था जिसमें 70 लाख के आसपास लाइक थे। आज जो कैरी मिनाटी की वीडियो है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और वो इंडिया के टॉप 2 यंगेस्ट इंडिविजुअल यूट्यूबर बन चुके हैं जो कि उस वीडियो के बाद। लेकिन कुछ दिनों बाद 2-4 दिनों बाद यूट्यूब ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया कैरी मिनाटी, क्योंकि उसमें गालियाँ थी और टिकटॉकर्स ने उसको रिपोर्ट करके उस वीडियो को डिलीट करवा दिया। लेकिन उसके बाद 2-3 दिनों बाद उस पर एक और वीडियो है कैरी मिनाटी भाई के चैनल पर, उन्होंने उस पर बताया कि आप उधर देख सकते हो कैरी मिनाटी भाई उसमें कुछ बताया था, उन्होंने ऐसे कुछ कहा था कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे डिलीट हो गई, और उन्होंने तो वो हर बार रोस्ट करते हैं लेकिन आपकी बार वो उनकी वीडियो डिलीट हुई पहली बार। तो भाई यही है टिकटॉक और यूट्यूब की लड़ाई। अब मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताता हूँ जिनकी वजह से आप ये फाइंड कर सकते हो कि यूट्यूब और टिकटॉक में से कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप मुझे ये पोल मैंने एक आई बटन पे रखा है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, तो आप बताइए कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, आप इसको सपोर्ट करते हो कमेंट कीजिए और पोल में जाके भी मुझे बताइए। तो अब मैं आपको कुछ इसके फैक्टर्स बता देता हूँ। वहीं जो टिकटॉक की शुरुआत हुई थी वो हुई थी जुलाई 2014 में। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, एक कंपनी थी म्यूजिकली जो कि बहुत फेमस हो चुकी थी, इसको कंपनी को बाय डांस ओन कर दी थी। बाय डांस ने म्यूजिकली और टिकटॉक को मर्ज कर दिया और अपना टिकटॉक को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया। यही एक चाइनीज कंपनी है और भाई जो अपना यूट्यूब है उसकी शुरुआत 14 फरवरी 2005 को हुई थी। ये एक अमेरिकन कंपनी है, इसकी शुरुआत अमेरिका के 3 आर्मी ने की थी जो कि पीपल के एम्प्लॉय रह चुके थे। तो भाई जो टिकटॉक के जो यूजर्स हैं वो है 1 बिलियन प्लस और जो यूट्यूब के जो यूजर्स हैं वो है 2 बिलियन प्लस। आपको यूट्यूब 100 से ज़्यादा कंट्रीज में 80 लैंग्वेजेस में ओपन मिलेगा जबकि टिकटॉक 150 कंट्रीज में 75 लैंग्वेज में मिलता है। यूट्यूब के जो वैल्यूशन है पूरी कंपनी का वो है $160 बिलियन के ज़्यादा और भाई जो टिकटॉक का जो वैल्यूशन है वो तकरीबन $78 बिलियन से ज़्यादा है। तो भाई जो टिकटॉक जो है वो सिंपली एक एंटरटेनिंग एक शॉर्ट मूवी प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप उसमें शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो 15 सेकंड से 60 सेकंड तक की। और जबकि यूट्यूब जो है वो एक स्किल का प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कुछ भी पढ़ा सकते हो, अपने कस्टमर्स तक अपनी रीच को पहुँचा सकते हो, उसमें आप नाम इज्जत और पैसा कमा सकते हो। जबकि टिकटॉक पर आप पैसा नहीं कमा सकते, आप थोड़ा बहुत पैसा आप ब्रांड प्रमोशन से कमा सकते हो, आपको कंपनी स्पॉन्सर करेगी अगर आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर टिकटॉक पर छोटी छोटी वीडियोज़ बना सकते हो और आप 4-5 वीडियो में बना सकते हो, जबकि यूट्यूब पे आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अच्छा यूजर बेस क्रिएट करना पड़ता है, आपको भाई यूट्यूब के फैन पेज में भी आपको मौका मिल सकता है और आपके सब्सक्राइब बढ़ जाते हैं। जबकि टिकटॉक पर ऐसा कोई प्रोग्राम वो अवेलेबल नहीं कर पाते हैं जबकि यूट्यूब फैन पेज अवेलेबल करवाता है, अवार्ड भी देता है, सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन, डायमंड प्ले बटन, ऐसे भी प्ले बटन वो देता है। तो अब आपको कंपेयर करना है दोनों में से बेस्ट कौन है। तो भाई जो यूट्यूब है उस पर आप अनलिमिटेड टाइम की वीडियो बना सकते हैं, यानी कि आप कितनी भी समय की वीडियो बना सकते हो, 2-3 दिन की वीडियो बना सकते हो, लगातार
आप उस पर क्वालिटी की बात करें तो 4K क्वालिटी तक की आप उसमें वीडियो बना सकते हो, 4K क्वालिटी तक की रेजोल्यूशन की आप उसमें वीडियो अपलोड कर सकते हो। वैसे हम साइज की बात करें तो 128 GB तक की अगर आपको साइज की कोई वीडियो है तो आप उसको उसमें अपलोड कर सकते हो। और भाइयों टिकटॉक की जब बात करते हैं तो उनकी जो ड्यूरेशन है वीडियो बनाने की 15 सेकंड से 60 सेकंड तक की है, और उसकी जो मैक्सिमम जो साइज है वो है केवल 72 MB, और उनकी जो क्वालिटी है वो है केवल 720 पिक्सल। सो बेसिकली बात ये है कि YouTube और TikTok दोनों ही वीडियो प्लेटफॉर्म है, एक शॉर्ट वीडियो और एक लॉन्ग वीडियोस प्लेटफॉर्म है। तो अब आपको कंपेयर करना है कि भाई दोनों में से कौन सा बेस्ट है। मैंने पोल में अपनी आई बटन में डाला है YouTube TikTok, आपको कंपेयर करना है कि कौन सा बेस्ट है, और कमेंट भी आप कर सकते हो कि कम YouTube और TikTok, मुझे पता चल जाएगा कि आप किसको सपोर्ट करते हो, कि ज़्यादा लोग किसको सपोर्ट करते हैं YouTube को या TikTok को। तो बेसिकली ये बात ये है कि YouTube पे आप अपना नाम इज्जत और पैसा सब कुछ कमा सकते हो, बहुत ही अच्छी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो, YouTube पे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो, जबकि TikTok पे केवल आप वीडियो बना सकते हो, आप केवल फेम कमा सकते हो। लेकिन भाई अगर आप फेम भी कमाना चाहते हो तो TikTok पे फेम भी नेगेटिव आप चलने लग गया है, क्योंकि भाई आजकल ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं TikTok पे, इसकी वजह से TikTok का बदनाम हो चुका है, क्योंकि वो उस पर अश्लील वीडियो और गंदी वीडियोस आती हैं, इसलिए TikTok बदनाम हो चुका है। कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं TikTok पे जो कि ऐसी वीडियोस बनाते हैं, जबकि YouTube पे ऐसी कोई वीडियो को आप डाल ही नहीं सकते। अगर आप ऐसी वीडियो डालते हो तो YouTube के रिजल्ट में जैसी वो वीडियो आती है उसको डिलीट कर देता है, आपके चैनल को सस्पेंड भी कर सकता है। तो भाई यही है इस वीडियो के अंदर, TikTok वर्सेस YouTube की जो कॉन्ट्रोवर्सी है वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि भाई ये TikTok में भाई जो बात है वो अलग है और YouTube की बात कुछ अलग है। भाई ट्विटर पर कुछ दिन पहले एक हैशटैग ट्रेंड करा था, बैन TikTok इन इंडिया, यानी कि जो TikTok की रेटिंग थी वो 4.5 थी 16 मई को, तो कैरेट बैठी ने वीडियो डाली थी, और भाई आज आप उसकी रेटिंग देखोगे तो 1.3 से भी नीचे जा चुकी है, क्योंकि भाई जो यूट्यूबर्स ने भाई जो भड़ास निकाली वो TikTok पर सारी भड़ास निकाली, उसकी रेटिंग पे उसको इतने गंदे गंदे रिव्यूज दिए हैं, इसकी वजह से TikTok बैन हो सकता है शायद कुछ समय बाद, क्योंकि भाई कैरेट बैठी की जो फैंस हैं उन सबका गुस्सा TikTok की रेटिंग पर निकला है। तो भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, अपने पोल में जो मैंने कहा उसको जरूर करना, और अगर वीडियो आपने एंड तक देखी होगी तो आपको TikTok वर्सेस YouTube का सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो भाई मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।